नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश, आपका स्वागत है दीक्षा डी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। देखो, आज हम लोग बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स जो चल रहा है वो 14 नवंबर 2018। और गाइस देखो, हम लोग तो डेली कर रहे हैं, उसके बाद वीकली भी आपको मिल जाता है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ अभी जो है इंट्रोड्यूस करूँगा मोस्ट 100 इम्पॉर्टेंट जो MCQs होंगे मंथ वाइज। ठीक है, मंथ वाइज 100, मोस्ट 100 इम्पॉर्टेंट, मतलब जो भी देखोगे ऑलमोस्ट, आप वीकली का निकालोगे तो वीकली का एवरेज जो क्वेश्चन अभी बन रहे हैं वो अराउंड मान लेते हैं 80। ठीक है, 75 से 80, मतलब आपका अगर फोर्थ से करोगे तो ऑलमोस्ट 320 क्वेश्चन जो हैं वो आ जाते हैं वीकली डेली का जो बन जाते हैं, मतलब 300 क्वेश्चन मान लो। उस 300 क्वेश्चंस में मैं सोच रहा हूँ 100 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको जो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस ऑफ कमिंग आए वो मैं देना चाहूँगा दो वीडियो में, 50-50 क्वेश्चंस करके दो वीडियो में मैं आपको दे दूँ। अगर आप चाहते हो ऐसा तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना, आपके कमेंट आपके राय के बेसिस में ही जो है मैं उसको करूँगा। अगर आप बोलोगे तो डेफिनेटली आई विल डू इट। ठीक है, तो चलिए देखो, 14 नवंबर क्वेश्चन से पहले लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने कब रसगुल्ला डे सेलिब्रेट करेंगे, तो राइट आंसर था सी, दैट इज़ नवंबर 14। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक लेना और लाइक शेयर ज़रूर कर देना गाइस। ठीक है, जितना शेयर करोगे, देखो कहीं ना कहीं शेयरिंग नहीं हो रही है इस वीडियो, तो गाइस ज़रूर थोड़ा शेयर करो चैनल को, थोड़ा सा प्रमोट ज़रूर कर देना। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, 18 नवंबर, सिंस 18 नवंबर इंदिरा 2018 ऑर्गेनाइज होगा इंडिया में, ये मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन दो कंट्रीज़ का है, किनका किसका किसका है, चाइना इंडिया है, रशिया इंडिया या जापान USA, तो दिस आर द ऑप्शंस। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, दैट इज़ चीन एंड भारत, मतलब चाइना एंड भारत। फेमस ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने विड्रॉ कर लिया है हाई सिविलियन अवार्ड फ्रॉम, किससे जो है ये अवार्ड विड्रॉ कर लिया गया है, दिस आर द ऑप्शंस। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यंग सैंग सुई की। ठीक है, अंग सैंग सुई की, इन ये जो है बेसिकली म्यांमार में जो इश्यूज हुए हैं रोहिंग्या मुस्लिम्स को लेके, उसी लिए ये अवार्ड ले लिया गया है। रिसेंटली द वर्ल्ड लार्जेस्ट सुपर कंप्यूटर हैज़ बीन लॉन्च विच वर्क्स लाइक अ ह्यूमन ब्रेन, मतलब एकदम लार्जेस्ट सुपर कंप्यूटर है, पूरा ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करता है, क्या नाम है इसका, तो दिस आर द ऑप्शंस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज स्पिनकर, ऑप्शन ए। ठीक है, नाम याद रखना, क्वेश्चन जरूर आएगा इससे। इन ऑर्डर टू इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी इन इंडिया, विच बैंक साइंड एन एग्रीमेंट टू $13 मिलियन देगी एनर्जी एफिशिएंसी बनाने के लिए इंडिया को, इंक्रीज करने के लिए, तो दिस आर द ऑप्शन। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। को फाउंडर एंड CEO ऑफ फ्लिपकार्ट, एन ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी, जो अभी रिसेंटली रिजाइन किए, क्या नाम है उनका देख लीजिए, दिस आर द ऑप्शन। अगर आप थोड़ा सा भी देखते हो तो ज़रूर बता पाओगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज ए, बिन्नी बंसल। वन द फॉलोइंग हैज़ ओन द ब्राज़ील ग्रैंड प्री 2018, दिस आर द ऑप्शंस, कौन होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा लुइस हैमिल्टन। हु बिकम द फर्स्ट इंडियन पर्सन टू क्लिम माउंट ग्लूवी, सेकेंड हाइस्ट माउंटेन जो है पापुआ न्यू गिनी का जो है वो सेकेंड हाइस्ट माउंटेन पीक है, तो कौन है आपको बताना है, पापुआ न्यू गिनी का जो दूसरा सबसे हाईएस्ट है, तो ये आंसर हो जाएगा, दैट इज बी, सत्यरूप सिद्धांता। आ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज समुद्र शक्ति ऑर्गेनाइज हो रहा है इंडियन नेवी और किसके बीच में, फ्रॉम नवंबर 12, चाइना जापान इंडोनेशिया, तो दिस आर द ऑप्शन। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, दैट इज़ इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वेयर द 7th इंटरमीडिएट मिनिस्ट्री लेवल मीटिंग ऑफ द ब्रॉड रीजनल इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ठीक है, मतलब RCEP ऑर्गेनाइज कहाँ पे हुआ है, मॉस्को, सिंगापुर, लंदन, दिस आर द ऑप्शंस। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सिंगापुर। द फेमस पर्सन स्टैनली गुजर गए हैं, किससे रिलेटेड करते, पॉलिटिकल लीडर थे, एक्टर, कॉमिक बुक राइटर, क्या थे, तो राइट आंसर हो जाएगा कॉमिक बुक राइटर। और आज का क्विज देख लेते हैं, व्हिच डे इज द डे ऑफ नेशनल एजुकेशन डे, ठीक है, आपको ज़रूर कमेंट करके बताना है। थैंक यू फॉर गाइस वॉचिंग, फिर मिलते हैं नया वीडियो के साथ, टिल देन गुड बाय।